शिवपुरी के नवागत पुलिस अधीक्षक रघुवंश कुमार सिंह भदौरिया ने आज पदभार संभालते ही अपने कारोबारियों पर नकेल कसने की बात कही है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सख्त लहजे में कहा कि किसी भी स्थिति में स्मैक, अवैध शराब, अवैध रेत सहित अन्य अवैध कारोबार करने वाले माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा। इनकी पूरी प्रोफाइल तैयार कर इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही इसके अलावा एसपी श्री भदौरिया ने अपनी प्राथमिकताएं गिनते हुए कहा कि आमजन और थाने पर पहुंचने वाले हर पीड़ित व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार हो और उनकी सुनवाई हो, गंभीर अपराधों में जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो, महिला संबंधित मामलों में भी पूरी गंभीरता से कार्यवाही किए जाने के साथ साथ साइबर क्राइम पर भी अंकुश लगाया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन को भी गंभीरता से लिया जाएगा और जिले भर में जुआ सट्टा सहित अवैध कारोबार नहीं चलने दिया जाएगा। नवागत पुलिस कप्तान के तीखे तेवर देख पिछले लंबे समय से मलाई मार रहे कुछ वर्दीधारियों के होश उड़े दिखाई दे रहे हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या प्रायोरिटी रहने वाली है जिले के लिए? निश्चित रूप से जो पुलिस का जो मूल काम है अपराधों के नियंत्रण और उसमें खासकर जो गंभीर मामले हैं तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी हो, संपत्ति संबंधी अपराध उसमें जो है लूट नकबजनी इस टाइप की वारदात होती है उसमें माल मुलिम तत्काल पकड़ा गया। थानों में जो पीड़ित आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, उनकी सारी बातें सुनी जाए, उनके साथ जो FIR दर्ज होना है, जो भी होना है कार्रवाई की जाए, यथोचित जो अपराध बनता है उसमें कार्रवाई की जाए। महिला अपराध में जो है नो टॉलरेंस रहेगा, उसकी तत्काल कायमी हो, उसमें कार्रवाई हो। नाबालिग बच्ची जो जाती हैं उसको हम 3 स्टेज का एक प्रोग्राम रखेंगे, इसमें ऑपरेशन 24 आवर्स 24 घंटे में उसको बरामद किया जाए। उससे में नहीं हो पाता है एक 72 आवर्स में रखेंगे मिशन की, और लास्ट 7 डेज हम चाहेंगे कि उसको मैक्सिमम 7 डेज उसको बरामद करें, जिससे कि अधिक उसके साथ कहीं लंबे दूर लेके कोई नहीं जा सके। इस हिसाब से देखते हुए ये हम 3 स्टेज कमीशन बना के उसको हम बरामद करने का प्रयास करेंगे। साथ ही जिले में जो माफिया किस्म के लोग हैं, चाहे खाना माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, इस टाइप के लोग खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। NSA जिला बदल कार्रवाई की जाएगी। साइबर क्राइम पे ध्यान दिया जाएगा, जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, जो OTP मांग के ATM कार्ड का कॉपी करके इस टाइप की वारदात करते हैं, उस पर निगाह रखी जाएगी। नारकोटिक्स के जो मामले हैं, स्मैक के, गांजे अफीम के, इस पर भी जो है पुलिस का ध्यान रहेगा, उस पर एक्शन ली जाएगी, सख्त ली जाएगी। खासकर जो पेडलर्स हैं उनके खिलाफ उसमें कार्रवाई की जाएगी। जुआ सट्टा का किसी भी क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ दूसरे थाने से फोर्स भेज के उसको कार्रवाई की जाएगी। सेंट्रल यहाँ की टीम जाकर उसको पकड़ने का प्रयास करेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।